हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम ट्रेडमार्क क्लास के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो ट्रेडमार्क क्लास 18 के ऊपर है। तो देखते हैं क्लास 18 में क्या क्या चीज़ें आती है। उससे पहले ये हमारी वेबसाइट है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में रीड आउट करना हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी बिजनेस को लेकर, या बिजनेस लाइसेंस, ट्रेडमार्क या किसी भी लीगल सर्विस को लेके, तो आप सिंपली हमारे वेबसाइट पे आके जो है रीड आउट कर सकते हैं। आपको इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कॉल, मैसेज, मेल या चैट के थ्रू जो है हमसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो जो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 18 के बारे में, तो सबसे पहले चलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग में जो है आपको यहाँ पर सारी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब हम क्लास 18 को देखते हैं। तो जैसा कि क्लास 18 में क्या आता है, लेदर एंड लेदर इमिटेशन, मतलब लेदर से जो सामान बनता है मोस्टली बैग्स, जैकेट, जूते यही बनते हैं। और लेदर या फिर लेदर जैसे दिखने वाले मटेरियल से अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो क्लास 18 में आता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो क्लास 18 में क्या क्या चीज़ें आती है, थोड़ा इसका ब्रीफ नोट ले लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडमार्क क्लास क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो ये रिकॉग्नाइज करती है, एक सिंबल है जो रिकॉग्निशन स्पार्क है, स्पार्क का एक सिंबल है राइट करके। तो कैंपस है, कैंपस का जो सिंबल है, तो कैंपस क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो शूज बनाता है। आपको पता है कैंपस का जो शूज काफी फेमस है, तो इस तरह से वो एक जो सिंबल है, एक नेम है या कोई सिंबल है, अगर आप रजिस्टर करवा देते हैं अपना ट्रेडमार्क, तो वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि ठीक है इस चीज का ये प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको कैंपस का एग्जाम्पल दिया, किसी भी चीज का आप ब्रांड देखेंगे तो फेमस क्या होता है, ब्रांड नेम फेमस होता है। तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि सबसे पहले आपको हमने आपको बताया हुआ है कि जो ट्रेडमार्क क्लास होती है वो टोटल 45 क्लास आती है। इसमें 1 से लेके 34 आपकी होती है गुड्स की क्लास, जिसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। एंड 35 से लेके 45 तक होती है आपकी सर्विस क्लास, जिसमें जो है आप जो कोई भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। तो जो हमारी क्लास जो 18 है वो आपकी गुड्स की क्लास है, मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका क्लास 18 में आएगा। अगर आप इन शॉर्ट देखिए कि इसमें जो है क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है क्लोथिंग, फुटवेयर एंड हेडगियर। बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको आपको लगेगा कि तो क्लास 25 में भी आता है तो फर्क क्या है। तो उसी फर्क को दिखाने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हम ये पूरी क्लास की सीरीज को हम बना रहे हैं। अगर आप इन जनरल देखिए तो क्लास 18 में टोटल 777 गुड्स जो है वो इनलिस्ट किए गए हैं। अब देखिए, अब क्लोथिंग फुटवेयर तो आ गया, अब जैसे बैग बन रहा है तो वो भी कपड़ों का ही बन रहा है, उसमें कपड़े का भी मटेरियल होता है, तो उसमें क्लोथिंग वर्ड आ गया। फुटवेयर इसमें क्या गया, अगर लेदर या लेदर जैसे दिखने वाली चीजों से अगर कुछ भी बनाया जाता है तो वो इसमें आ रहा है। अब जूते है वो फॉर्म के भी बनते हैं, कपड़े के भी बनते हैं, लेदर के भी बनते हैं, तो शूज तो शूज है, तो इसीलिए वो जो है फुटवेयर में आया। तो फुटवेयर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लास 18 में क्यों आ रहा है, अगर तो 25 में भी आता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि जो है इसमें क्या क्या चीजें जो है इसमें आ रही है। अब जैसे मैं आपको चेक करके बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेडमार्क, एक मिनट, ट्रेडमार्क क्लास 4 फुटवेयर, तो इसमें दिखा दे रहा हूँ क्लास 25। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, ट्रेडमार्क क्लास 4 लेदर फुटवेयर, अब आ रहा है क्लास 18। तो डिफरेंस आपको पता लग गया, डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट रखे किस चीज का प्रोडक्ट बन रहा है और हम क्या कीवर्ड डाल के चेक कर रहे हैं। तो फुटवेयर में भी आपके जो डेरिवेशन आ गए कि वो लेदर के हैं या विदाउट लेदर के, लेदर के, तो ये आपने देखा। जैसे मैं इसमें से लेदर रिमूव कर दे रही हूँ, तब हम सर्च करें तो क्लास 25 दिखा रहा है, एंड जब मैं इसमें लेदर ऐड कर दे रही हूँ तो इसमें दिखा रहा है क्लास 18। तो ये जो है फर्क है, दोनों में आते तो फुटवेयर है बट दो क्लास क्यों, तो ये चीज है जो मटेरियल है उसका फर्क है। आप देखिए, ऑल पर्पज एथलेटिक बैग्स, ऑल पर्पज कैरिंग बैग, ऑल पर्पज लेदर स्ट्रैप्स आ गया, ऑल पर्पज स्पोर्ट्स बैग, ऑल पर्पज स्पोर्ट्स बैग, एप्रन स्टॉक, एनिमल एप्रन, पर्पज स्पोर्ट्स बैग, एनिमल कैरियर, एनिमल कवर। अब एनिमल कैरियर क्या होता है, एनिमल कैरियर बैग जिससे कुछ जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम अपने एक बैग में भी उनको कैरी जो है किया जा सकता है। ये देखिए, ये चीजें, ये एनिमल बैग्स, एनिमल कैरियर बैग्स, इसमें जो एनिमल को कैरी करके जो है इनको कहीं लेके जाया जा सकता है। जो ट्रैवलिंग में एनिमल्स अपने पैट्स को ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं उनके लिए जो है काफी बेनिफिट होता है। अब इसके हम ट्रेडमार्क क्लास निकालते हैं, लिखा ट्रेडमार्क क्लास
फोर एनिमल कैरियर बैग्स, इसमें आप ऑल महंगे क्या दिखा रहा है? क्लास 18, ठीक है। अब इसमें दो क्लास 22 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 22 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एनिमल को जो है उनमें रोप्स वगैरह का भी यूज किया जाता है कुछ एनिमल्स के साथ, उनको उनके डेली यूज में, इसलिए क्लास 22 भी दिखा रहा है। जब हम क्लास 22 पे आएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एनिमल कवर्स, एनिमल हार्शनेस, एनिमल हाइड्स, एनिमल लीड्स, एनिमल लेशेस, एनिमल स्किन, एनिमल स्किन एंड हाइड्स, आर्टिकल्स ऑफ लगेज, आर्टिफिशियल्स ऑफ बर्ग्स बैग्स, एथलेटिक बैग्स, बेबी बैग पैक, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है। बेबी कैरियर बॉर्न ऑन बॉडी, बैग पैक्स हो गए, तो इन शॉर्ट जो है बैग ट्रिप। बट उनका क्या एक मेन चीज़ क्या है कि वो लेदर के होने चाहिए या इमिटेशन ऑफ लेदर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जो होता है तो ये आपका आएगा क्लास 18 में। बीच अम्ब्रेलास, बीच बैग्स, बैरन बैग्स, बैट बैग, तो ये सारी चीज़ें, बिल फूड्स, बिट्स फॉर एनिमल्स, बेड्स, ब्लाइंडर्स ऑफ हॉर्सेस, ब्लिंकर्स ऑफ हॉर्सेस, बूट बैग्स, बॉस्टन बैग्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे लिस्ट है। अराउंड 700 के अप्रॉक्स जो है इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई है। वम बैग्स, बकेट बैग्स, बिजनेस केसेस, कैबिन बैग्स, कैरिंग बैग्स, केसेस ऑफ इमिटेशन लेदर, केसेस ऑफ लेदर एंड लेदर बोर्ड, केसेस ऑफ लेदर एंड लेदर बोर्ड, कैजुअल बैग्स, कैट कॉलर्स, चेंजिंग बैग्स, चार्म बैग्स, तो काफ़ी सारे जो काफ़ी इसमें लंबे लिस्ट है, इसको आप देखेंगे। डॉग लिड्स, डॉग लेशेस, ट्रियोरिजिस, डफल बैग्स, अब डफल बैग्स हैं, बैग्स तो किसी और क्लास में भी आते हैं। सिंपली आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना है कि वो कौन सी क्लास में आया, तो आपको जिस गूगल पे जाना है उसमें आपको लिख देना है ट्रेडमार्क क्लास 4, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप लिखेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि किस में आ रहा है, क्लास 18 में आ रहा है। और डफल बैग्स का यूज़ किस लिए होता है, या तो आप लगेज कैरी कर रहे हैं या तो फिर आप एज उसको ट्रेवल बैग में यूज कर रहे हैं। और हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पैट कॉलर्स, एनवेलप फॉर लेदर फॉर पैकेजिंग, इसमें इनकेस आधी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट या तो वो लेदर की होनी चाहिए या फिर लेदर के इमिटेशन प्रोडक्ट, लेदर के इमिटेशन मटेरियल की होनी चाहिए, वो आपका इसमें रहता है। फीडबैक, फिटेड बैग्स फॉर लगेज, फ्लाइट बैग्स, फ्लाई मास्क, फोलियो केसेस, फ्रेम्स ऑफ बैग, फर बेल्ट्स, फर स्किन, गेम बैग्स, गार्डन अम्ब्रेलास, गारमेंट बैग्स फॉर ट्रेवल, ये देखिए कितने सारे लिस्ट है। हॉर्स क्लोथ्स, हॉर्स कॉलर्स, हॉर्स रग्स, हॉर्स शीट, हॉर्स शूज, इमिटेशन ऑफ फर्स, इमिटेशन ऑफ लेदर, इमिटेशन लेदर बैग्स, की वॉलेट्स, की केसेस, लेदर रिजेंस, लेदर बैग, इसमें काफ़ी सारी लंबे लिस्ट है। आपको कुछ भी देखना हो अगर वो लेदर से रिलेटेड है, इनका मेन वही है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो लेदर की, लेदर का हो या फिर लेदर के जैसा दिखने वाले प्रोडक्ट, लेदर से दिखने वाले मटेरियल से वो बनाओ। अब समझ में आते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द ट्रेडमार्क क्लास 18, क्या इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टू नो ट्रेडमार्क क्लास बिकॉज ड्यूरिंग फाइल योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन द ट्रेडमार्क क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज द ट्रेडमार्क कनेक्ट शुड बी मैंशन ऑन द एप्लीकेशन। हमें जानने की इसलिए ज़रूरत है, अगर हम गलत क्लास में ट्रेडमार्क फाइल कर देंगे तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम आएगी। व्हाट इज ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन? ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन तो वही चीज़ है कि 1 से 34 तक आपकी गुड्स क्लास आती है एंड 35 से 45 तक आपकी सर्विस क्लास आती है। विच गुड्स डू नॉट कम अंडर ट्रेडमार्क क्लास इतनी, अब हमने ये देखा क्या क्या आता है, क्या आता है जो ट्रेडमार्क जो लेदर से बनी हुई या फिर लेदर इमिटेशन मटेरियल से बनी हुई वो आता है आपका क्लास 18 के अंदर, क्या क्या नहीं आता वो देखिए। वर्किंग स्टिक्स कैंस फॉर मेडिकल पर्पस, ये नहीं आता, ये किस में आता है, क्लास 10 में जाता है। क्लोथिंग, फुटवेयर, हेडगियर, लेदर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बैग्स अडेप्टेड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एफएक्यू से मिलेंगी। तो आपका फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना ट्रेडमार्क जो क्लास 18 है, अब हमने ये तो देख लिया हमारा जो प्रोडक्ट है क्लास 18 में आ रहा है, हम ये चेक कैसे करेंगे कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेमस ब्रांड्स फॉर लेदर बैग, फेमस ब्रांड्स कौन से हैं,
ये देखिए कुशी लेवी हो गया। अब हम इसके बारे में अगर हम चेक करना चाहते हैं कि रियली में इन्होंने अपना ट्रेडमार्क लिया है कि नहीं लिया है, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा तो कोई भी ट्रेडमार्क होता है उसके ऊपर छोटा सा आर या फिर टीएम लगा होता है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रजिस्टर उन्होंने अप्लाई करा हुआ है या नहीं। तो सिंपली हम किसे देंगे, पब्लिक सर्च, जहां से हम किसी भी ट्रेडमार्क के बारे में देख सकते हैं। इस पे आपको अपना वर्ड मार्क डालना है और क्लास डालेंगे हम 18 और इसके बाद हम इसमें कैप्चा कोड डाल देंगे, तो सर्च कर ये देखिए लेवी आ गया। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम है। इस तरह से आपने जो है इनका इमेज देखा होगा, इन्होंने अपने जो ट्रेडमार्क के जो नेम है इमेज है उसको अपडेट कराते रहते हैं, कोई भी नया ये लोगो बनाते हैं तो उस चीज को ये जो है उसको रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि कोई और उसको ना ले। अभी क्या बनाते हैं, सॉफ्ट लगेज, हार्ड लगेज, शोल्डर बैग, सूट केस, जितने भी बैग से रिलेटेड है, कंप्यूटर केसेस, अटैच केसेस, गारमेंट्स बैग, तो ये सारी चीजें जो है ये बनाते हैं। तो उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है। और कौन कौन से ब्रांड से देखिए, गुच्ची, ये देखते हैं गुक्की, गुक्की का ब्रांड, तो सिंपल नेम हम इसमें डाल देना है, क्लास डालनी है 18 9, इसमें हम कैप्चा कोड डालेंगे। ये देखिए गुक्की का आपका ब्रांड आ गया। इसकी कंपनी का क्या नाम है, गुक्की SRIAN इटालियन लिमिटेड, बाहर की कंपनी है ये। शो डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, आर्टिकल्स फॉर लेदर एफओ इमिटेशन लेदर नॉट इंक्लूडेड अदर देन क्लास, जो और किसी क्लास में नहीं आते वो जो है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना इसमें लेदर से रिलेटेड ही चीजें आती है। बैग्स आपका क्लास 25 में भी जाता है, सॉरी जो आपके कपड़े होते हैं या फुटवेयर होते हैं वो तो क्लास 25 में भी जाते हैं, बट इसमें वही आएंगे जो और किसी में इंक्लूड नहीं है। इस तरह से हमने आप इस वीडियो के इस सेशन में आपको दिखाया कि इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में वो जा रहा है एंड किस तरह से आप जो है इस ट्रेडमार्क को चेक कर सकते हैं कि वो ट्रेडमार्क किस नाम के लिए रजिस्टर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्स, वॉलेट्स, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रांड बनाता है। तो सिंपली ये था प्रोसेस देखने का कि किस तरह से अपना ट्रेडमार्क को चेक कर सकते हैं। तो ये था इस क्लास 18 के बारे में एक स्मॉल सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करके जाना है ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ इस चीज़ इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर सिंपली होम पेज पर जाके यहाँ पे बाय कॉल मैसेज या व्हाट्सएप या मेल के थ्रू जो है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।